हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस? कैसे सारे बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है इस चैप्टर के अंतर्गत जाना था कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार का मिश्रण पाया जाता है। हम लोगों ने विलयन के बारे में समझा था, हम लोगों ने कोलाइड्स के बारे में समझा था, हम लोगों ने निलंबन के बारे में समझा था। कोलाइड्स पर आकर के मैंने अपनी गाड़ी जो है वो स्टॉप कर दी थी, तो वहीं से हम लोग आप फिर से वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोलाइड की। और अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं गाइस, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 4 तक आप कंप्लीट ज़रूर वॉच कीजिए। यही बेसिक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आई होप बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और डिटेल में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कोलाइडी विलियंस के बारे में मैं बात कर रही थी, है ना बेटी? बेसिकली जो कोलाइड होते हैं, इनको आप विलियन कहें ये गलती होगा, आप इसे सिर्फ कोलाइडी कहें, कोलाइड ही बोलिए, है ना? तो कोलाइड क्या होता है? एक ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें हमें भ्रम होता है कि यार देखने में तो ये बिल्कुल विलियन जैसे होता है, लेकिन ये विलियन नहीं होते। कोलाइड क्या होते हैं? कोलाइड एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण होते हैं, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। ये विषमांगी मिश्रण के कण इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी विलेय और विलायक को जब आपस में मिक्स करते हैं तो ये कण इतने छोटे होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये सब तो एक ही है ना, एक जैसा दिखाई पड़ते हैं। जैसे विलयन में होता है, विलयन में क्या होता है, विलयन में हमें ऐसा लगता है कि यार सबके सब कैसे हैं, एक जैसे हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। सेम कोलाइड्स के अंदर है। अब कोलाइड के अंदर आप लोगों को यह समझना है कि किस तरीके से हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। चलिए, तो कोलाइड क्या होते हैं? एक ऐसे विषमांगी मिश्रण जिसे देखने पर लगता है कि ये कैसे है, समांगी है, पर कैसे होते हैं, विषमांगी। समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे ऑलरेडी बहुत अच्छे से। इनके बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है, कृपया प्लीज़ आप जाकर के लेक्चर नंबर 1 और 2 को ज़रूर देखिए। अब हम बात करते हैं आगे। तो भाई यहाँ पर विलयन हमें विषमांगी होता है, हमारा विषमांगी होता है, लेकिन देखने में हमें समांगी प्रतीत होता है। अब समांगी विलयन के कुछ गुणों के बारे में हम लोग बात करते हैं, मतलब कोलाइड के बारे में हम लोग कुछ गुण देखते हैं कि इसके गुण क्या है जो कि इन्हें निलंबन और जो भी हमारे विलयन हैं उनसे अलग रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण में हम लोग जानते हैं कि विलेय और विलायक जो होते हैं अलग अलग सेपरेट होते हैं, यानी कि विलेय विलायक आपस में बहुत अच्छे से बंध नहीं बनाते। आपको कहीं ना कहीं जो विलेय है ना, उनके कण विलायक में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, परंतु ये कैसे है, विषमांगी मिश्रण ही है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हमारी आँखों से आप इन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दूध, अगर आप दूध में पानी भी डाल दोगे तो आपको ऐसा लगता है कि यार यह तो दूध ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूध और पानी का मिश्रण एक कोलाइड है, और कोलाइड दिखने में हमें लगते हैं कैसे, बिल्कुल समांगी मिश्रण के जैसे, पर वे समांगी नहीं होते। ये कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उनके मार्ग में जो भी मार्ग होता है उसे दृश्य बनाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं इसको आपको बाद में समझाऊंगी, बाद में एक्सप्लेन करूंगी ताकि चीज़ें हमें क्लियर रहे, क्योंकि यह बेटा बिल्कुल टिंडल प्रभाव से रिलेटेड है। आपको यह समझने के लिए पहले टिंडल प्रभाव समझना होगा, तभी आपको यह प्रकाश वाली बात समझ पड़ेगी। तब तक के लिए अब इसको पॉज दीजिए, जस्ट हम लोग अगली वाली स्लाइड में इसको कंटिन्यू करेंगे। देन इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब यह कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। स्थायी कण जो होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारे विषमांगी मिश्रण में यानी कि निलंबन में देखा था कि जब चौक के पाउडर को हम लोग पानी में मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर बाद चौक अलग और पानी अलग अलग दिखने लग जाते हैं। या तो चौक ज़मीन में तली में बैठ जाएगी, या चौक के जो कण हैं हल्के फुल्के वो ऊपर की ओर तैरते रहेंगे और पानी अलग हो जाता है। या मिट्टी और पानी का मिश्रण देख लीजिए, तो मिट्टी जो है उसमें छन के नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है। तो ये मिश्रण निलंबन था, परंतु कोलाइड के साथ में ऐसा नहीं होता। कोलाइड में जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। अगर ज़्यादा ही टाइम लगता है तो थोड़ा बहुत तल पर बैठ करके हमें ऐसा लगता है, जैसे आप लोगों ने दूध गर्म किया होगा तो आपने महसूस किया होगा कि जो दूध में क्रीम होती है वह गर्म करने के बाद पतीले में नीचे लग जाती है, तो वह क्रीम जो है एक प्रकार का फैट है जो कि कणों के रूप में हमारे कोलाइड यानी दूध के अंदर मिश्रित होता है। अब कोलाइड के साथ में हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, उसके लिए
आपको एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी कि आप इसको फिल्टर पेपर से तो छान नहीं पाओगे। जैसे हम लोगों ने देखा था निलंबन में, अगर आप फिल्टर पेपर से छानोगे, फिल्टर पेपर लगा देते हो, तो जो भी हमारा मिश्रण है वो उसमें से विलेय विलायक अलग हो जाते हैं। तो निलंबन में तो भाई छानना बनना बहुत आसान होता है, निलंबन में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें किसके अंदर, अगर आप कोलाइड में देखें, तो कोलाइड में क्या होता है, अपकेंद्रीकरण विधि होती है या अपकेंद्रीकरण तकनीक होती है। अपकेंद्रीकरण एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें एक बीच में क्या होता है, अक्ष होती है, उसके अगल बगल हमारा जो भी पदार्थ होता है वो तेज़ी से घूमता है और जो भी कण होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और ये बिल्कुल बेसिक होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कोलाइड विलयन दो स्थिति से मिलकर बनता है, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरा परिक्षेपण माध्यम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे समझना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली परिक्षिप्त प्रावस्था एक विलय की जैसे काम करती है। ये कैसी होती है, इसको अगर मैं तुलना करूँ, है ना, अगर आप लोगों को समझना है कि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, तो यार इसको एक सबसे सिंपल से उदाहरण से समझो, एक विलयन के माध्यम से समझने की कोशिश करो, है ना। विलयन और कोलाइड अलग अलग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो होता है वह समझने के लिए आपको इसे समझना ज़रूरी है। परिक्षिप्त प्रावस्था किसी भी अवस्था में हो सकती है, ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। तो क्या होता है, परिक्षेपित प्रावस्था जो होती है इसके अंदर एक विलेय के जैसा गुण होता है, यानी कि ये जो है वह विलायक के अंदर मिलाया जाता है। विलायक एक परिक्षेपण माध्यम के जैसा होता है, ये होता नहीं है, ये जस्ट मैं बता रही हूँ कि आप इसको समझने के लिए परिक्षिप्त प्रावस्था को विलेय के जैसा समझिए और परिक्षेपण माध्यम को विलायक के जैसे, यानी परिक्षेपण माध्यम में विलेय यानी परिक्षिप्त प्रावस्था मिक्स होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो थोड़ा सा टफ देखने में लगता है पर है बहुत आसान, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। विलेय पदार्थ इस तरह का घटक परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, यानी कि जो भी कोलाइडल जो घुलने वाला होता है, जो मिक्स होने वाला होता है, वो कैसा होता है बेटा, वह कोलाइडल के रूप में होता है और इसे हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं। और वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित यानी कि मिक्स हो जाती है, मिल रही होती है, उसे परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। उदाहरण के लिए चलिए मैं आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण देती हूँ बेटा, उदाहरण से समझो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप वायुमंडल में या वायु में आप लोगों ने कोहरा देखा होगा, सभी लोगों ने वायु में कोहरा तो देखा होगा, है ना, सभी लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से। आप लोगों को सड़क पे ठंडियों के टाइम में, सर्दियों के टाइम में, है ना, धुएं धुएं जैसा दिखाई पड़ता है और वो धुआं इतना तेज़ होता है कि आपको पीछे वाला सामान दिखाई नहीं पड़ता, वो काफ़ी अच्छा ठंडी में होता है, उसको आप कुहासा भी बोलते हो, है ना। तो सर्दियों में ये बहुत नॉर्मल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है बारिश के टाइम पर बहुत सारी जलवाष्प हमारे वायुमंडल में होती है, है ना, पानी की जो बूंदे है, जलवाष्प होती है, वो वायुमंडल में बूंदों के रूप में उपस्थित होती है। हमें दिखाई तो नहीं पड़ती पर हम महसूस कर सकते हैं। ठंड आने पर ये क्या होती है, हल्की फुल्की सी जमने लग जाती है। तो बेसिकली जो हमारी लिक्विड की जो बूंदें होती है ना बेटा, वह ठंडियों के टाइम में, सर्दियों के टाइम में वह वायु के अंदर मिल जाती है, नीचे हो जाती है, भारी होने के कारण नीचे आ जाती है, जिससे हमें कुहासे का भ्रम होता है या कुहासा हमें दिखाई पड़ता है। तो बेसिकली वायु जो है वो एक प्रकार का क्या हो जाता है, परिक्षेप पन माध्यम हो जाता है। वायु क्या है, एक माध्यम है जिसमें सभी के सभी जलवाष्प की कणें मिक्स है, और यह कोहरा क्या है, जलवाष्प की बूंदे, ये क्या है, जलवाष्प की बूंदे। तो इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं कि कोलाइड, जो हमारा जो कोलाइडल विलयन होता है उसमें परिक्षेपण प्रावस्था, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों मिक्स होकर के बनते हैं। ठीक है, इसको और एग्जांपल के साथ में हम लोग समझते हैं। सारणी में जरा देखिए, जरा सभी बच्चे लोग सारणी को देखिए। सारणी में आपको मैं तीन चीज़ें पहले बता देती हूँ, यहाँ पर कुछ एरोसोल, फोम, इमल्शन इत्यादि लिखा हुआ है। तो बेसिकली बेटा एरोसोल जो बनता है, है ना, सभी लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो एरोसोल होते हैं
वह वायु में द्रव का मिश्रण होता है, यानी कि वह गैस में द्रव का मिश्रण होता है, ठीक है? या इसको ऐसा लिख लीजिए, गैस में द्रव का कोलाइड। और जो फोम होते हैं वह द्रव में गैस का कोलाइड। फिर आप लोगों ने यहाँ पर एक इमल्सन भी देखा है, तो इमल्सन बेसिकली जो आप इमल्सन देख रहे हो, यह इमल्सन क्या कहलाता है? इसे हम लोग कहते हैं पायस। हिंदी में इसे इमल्शन को पायस भी कहा जाता है। इमल्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसे पायस भी कहा जाता है। और पायस जो होता है वह द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। क्या होता है? द्रव में द्रव का कोलाइड। इसके अलावा जेल भी बनते हैं। जेल बेसिकली किसी भी आप ठोस में पानी डाल देते हो तो जेल का निर्माण हो जाता है, और ठोस जो होता है, ठोस में ठोस का मिश्रण जो होता है उसे ठोस सोल कहा जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, तभी आप इसको समझ में ला पाओगे, ठीक है? चलिए, तो एरोसोल बेसिकली गैस में क्या होता है? द्रव का मिश्रण हो रहा है या द्रव का कोलाइड बन जा रहा है। तो आप सभी लोग इस सारणी को देखिए, हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि जो विलेय है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि जो कि विलेय है, और परिक्षेपण माध्यम जो कि विलायक के जैसे काम करने वाला है, ठीक है? अब जो ये विलायक है, विलायक यानी कि जिसके अंदर हम विलेय को मिलाएंगे, तो भाई विलेय क्या है हमारे पास में? द्रव ठोस द्रव गैस। एक्चुअली होता क्या है ना बेटा, जो अवस्था में हमें हमारा पदार्थ प्राप्त है उसे हम लोग उसकी अवस्था के रूप में लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं दूध में पानी मिला रही हूँ तो दूध क्या है? परिक्षेपण माध्यम। और जो हमारा पानी है वो क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था। और दोनों ही कैसे है? द्रव है। तो पानी भी द्रव है, दूध भी द्रव है। तो द्रव में द्रव का मिश्रण पायस कहलाता है, या इसको आप इमल्शन बोलते हो। तो इस तरीके से बच्चा आपके पास में सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, द्रव का गैस में एरोसोल, ये क्या कहलाता है बेटा? कोहरा, बादल, कुहासा। आप लोगों ने देखा होगा कि बादल जलवाष्प के संघनित होने के कारण बनते हैं। बेसिकली वायु में बहुत सारी जलवाष्प की बूंदें होती है और ये इकट्ठा होने के बाद जल क्या बना देती है? बादल बना देती है। सेम अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग गैस का द्रव में, तो बेटा गैस का द्रव में यानी कि जो हवा होती है जब भी किसी लिक्विड में भर जाती है तो बबल्स बन जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बबल्स देखे होंगे, है ना? साबुन के बुलबुले निकलते हैं, साबुन में फेस बनता है, हम फेस वॉश करते हैं तो एकदम बिल्कुल फोम बन जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? जब भी हम फेस वॉश को, साबुन को अपने हाथ में क्या करते हैं? रब करते हैं, तो आसपास की जो वायु है वो बबल्स के अंदर घुस जाती है। और जो बबल्स आप लोग देखते हैं वो बड़े बड़े से, वो द्रव के अंदर पानी भरने के कारण बनती है, जो कि हल्के होते हैं इसीलिए वो उड़ने लगते हैं। इसे हम फोम भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम फोम बोलते हैं, जो कि शेविंग क्रीम में आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, है ना? सेम बच्चों, में आपको एक इमल्शन का एग्जाम्पल देती हूँ। इमल्शन यानी कि द्रव का द्रव में मिश्रण। तो बेटा जो भी दूध फेस क्रीम होती है ये क्या होती है? आप लोगों के इमल्शंस होते हैं। फिर मैं आपको बोलूँगी सोल, ठोस में द्रव का मिश्रण, मतलब द्रव में ठोस का मिश्रण। जैसे कि कीचड़, सब लोगों ने कीचड़ देखा है, तो कीचड़ में क्या होते हैं? धूल कण होते हैं। तो धूल कण किसके जैसे काम करेंगे? धूल कण जो है परिक्षिप्त प्रावस्था के माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था के जैसे कार्य करेंगे, ठीक है? और आपके पास में जो पानी होगा वो किसके जैसे व्यवहार करेंगे? वह परिक्षेपण माध्यम के जैसे कार्य करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास में द्रव का द्रव में मिश्रण जो होता है वो इमल्शन कहलाता है। और अगर किसी द्रव, मतलब हमारे द्रव में ठोस मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? आप लोग बोल सकते हो कि वहाँ पर सोल बन जाता है। सोल यानी कि कीचड़, जैसे आप लोगों ने देखा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा कीचड़ क्या होता है? बेसिकली धूल कण जब पानी में मिल जाते हैं तो कीचड़ बन जाता है, यही होता है। तो पानी क्या हो गया? एक माध्यम हो गया। तो जो हम जिसमें मिलाया जाता है, तो भाई पानी के अंदर धूल मिला रहे हैं तो पानी क्या हो गया? पानी जो है वह परिक्षेपण माध्यम हो गया। और किसको मिला रहे हैं? धूल को। तो धूल और जो मिट्टी मिट्टी होती है वो क्या कहलाता है हमारे पास में? परिक्षिप्त
प्रावस्था। तो धूल कण जब पानी में मिले तो कीचड़ मिल गया, और इसे हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। तो इस तरीके से और भी उदाहरण आप लोगों को दिए गए हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि अब मैं टिंडल इफेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तो गाइस, टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। एक मेरे पास में कोलाइड है, ये जो आप ये वाला बर्तन देख रहे हो बेटा, सभी लोग ध्यान से देखो, आप लोग यहाँ पे दो बर्तनों में अलग अलग द्रव देख रहे हो। तो मेरे पास में एक कोलाइड है और दूसरा मेरे पास में क्या है, पानी और नमक का मिश्रण यानी कि विलयन है। ये बेसिकली एक प्रकार का विलयन है, ठीक है। तो ये विलयन है और ये क्या है, कोलाइड है। अब सब लोग ध्यान से देखो, जब मैंने लेजर लाइट को क्या किया, लेजर लाइट को इस पानी से गुजारा, तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे मुझे कोई भी लाइट का रास्ता नहीं दिख रहा। सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको प्रकाश का मार्ग नहीं दिख रहा है। तो प्रकाश का मार्ग नहीं दिख रहा है भाई, किसी को भी यहाँ पर प्रकाश का मार्ग नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विलयन में से प्रकाश किरणें आसानी से गुजर जाती है तो हमें दिखाई भी नहीं पड़ती। परंतु ये कोलाइड में देखो, कोलाइड क्या होता है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, यानी कि विलायक के कण अलग और विलेय के कण अलग, और कण थोड़े बड़े भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ पर आई, आप सभी लोग देखो इस पानी वाले जो इस विलयन वाले ग्लास से, पानी वाले ग्लास से जैसे ही प्रकाश किरण बाहर निकली, तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर पड़ते से ही पूरी जो प्रकाश किरण है वो देखो आपको हल्का सा गुलाबी गुलाबी रास्ता दिख रहा है, और ये आप लोगों को यहाँ पर प्रकाश का रास्ता दिखाई दे रहा है। तो इसे कहा जाता है प्रकाश का फैलना। इसे क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश का फैलना। तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई, अब आप लोग ये बोलोगे कि मैम इसमें बड़ी बात क्या है प्रकाश का फैलना। बेटा बड़ी बात ये है कि आप सभी लोगों ने बचपन में एक बहुत ही अच्छी सी चीज पढ़ी होगी प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है प्रकाश एक सीधी, सीधी की स्पेलिंग गलत है मेरी, ठीक है, सीधी में छोटी की मात्रा लगा दी, बड़ी की मात्रा लगेगी। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, ये सभी हम लोग जानते हैं, है ना। आप लोगों की किताब के हिसाब से, आप लोगों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्लास 9 तक के हम लोगों ने यही पढ़ा है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो फिर बच्चों क्यों ये प्रकाश किरण मुड़ गया, सभी लोग देखो ना, अगर ये सीधी रेखा में गमन करता है तो प्रकाश को यहाँ पे फैलना नहीं चाहिए, प्रकाश को फैलना नहीं चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर आकर के लेज़र लाइट, सबको पता है ना लेज़र कैसी होती है, लेज़र एक जैसी होती है दूर दूर तक के, वो तुमको बिल्कुल पॉइंटेड दिखेंगी, वो कभी नहीं फैलती। तो फिर कैसे ये लेज़र इस कोलाइड में आकर के फैल गई, यही तो प्रकीर्णन है बेटा। जैसे ही इस कोलाइडी विलयन में हमने लेज़र लाइट डाली, लेज़र यानी कि बिल्कुल एक जैसी लाइट होती है बेटा, दूर दूर तक वो फैलती नहीं है, तुम लोगों ने घर में देखा होगा या फिर तुम लोगों ने जो छोटी मोटी लेजर देखी होगी ना, वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट दिखती है। परंतु जब कोलाइड में से लेजर गुजरी तो क्या हुआ, वहां पे प्रकाश फैल गया। तो ये फैला कैसे, क्योंकि छोटे छोटे कण प्रकाश के मार्ग में आए और प्रकाश उससे टकरा करके अपना रास्ता बदल लेता है। मान लीजिए बहुत छोटे छोटे कण होते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये छोटे छोटे कण हैं, तो जैसे ही प्रकाश यहाँ से आया तो इन कण से टकरा करके बेटा वो कहीं अपना दूसरा रास्ता बदल लेता है, और इसी प्रकार से प्रकाश फैल जाता है। तो यहाँ पर बेटा नोट करो सभी लोग कि कोलाइड में प्रकाश किरणें फैल जाती है, प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, और प्रकीर्णन होने के पीछे का बेटा एक ही कारण होता है, क्योंकि प्रकाश अपने से अपने जैसे अपने साइज के छोटे छोटे कणों से टकरा देता है, जिसके कारण वह अपना जो रास्ता है उसको मोड़ लेता है या बदल जाता है। इसी रीज़न से हमारी जो प्रकाश की किरणें होती है वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। सबसे सिंपल, सबसे इजी और बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको टिंडल इफेक्ट समझ में नहीं आता है। सेम फॉर मी, जब मैं छोटी थी तब मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा है कि ये क्या होता है। तो आपको उसी हिसाब से समझाने का कोशिश कर रही हूँ। सभी लोग मेरे पीछे निकलती हुई जो किरण है उनको देख रहे होंगे, तो बेटा यही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। क्या बोलता है, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से, कोलाइडी माध्यम जैसे कि कोहरा, कुहासा, है ना, धुआं, ये सब
से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी प्रकाश अपने रास्ते में फैल जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ये फैल जाता है, तो प्रकाश का मार्ग हमें दिखने लग जाता है। इस प्रकार की घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। सेम बेटा, आप लोगों ने जंगलों में देखा होगा, जंगलों में घरों के अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए घर है ना, मान लो ये छोटा सा किसी का घर है और घर में उसका छेद है, तो बेटा जब उस छेद में से कोई भी लाइट आता है, कोई भी प्रकाश किरण आती है, तो आप लोगों ने देखना कि प्रकाश को सीधा आना चाहिए, प्रकाश किरण को क्या होना चाहिए, प्रकाश किरण को इस होल में से आ करके सीधा आना चाहिए, परंतु प्रकाश किरणें जो होती है कैसे जाती है बेटा, नीचे जा करके थोड़ी 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 फैल जाती है। और आप लोग देखना, फैलने के बाद आपको इसके अंदर बहुत सारे धूल कण मिट्टी जो होते हैं वो कैसे उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बेटा जब आप लोग इस तरीके से, मान लीजिए ये छेद है ना, ये घर के अंदर का क्या है बेटा, छेद है, तो इसमें जब आप देखोगे तो आपको इस तरीके के छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं। वो बेसिकली बेटा वो वायु के अंदर जो धूल कण जलवाष्प होते हैं ना, वायु के अंदर जो भी धूल कण जलवाष्प होते हैं, इसका बेटा क्या होता है, वायु एक प्रकार का कोलाइड होता है। ठीक है, वायु में धूल कण जलवाष्प क्या है, कोलाइड है। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारे एटमॉस्फेरिक जो वायु है, बेसिकली ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह का मिश्रण, वो एक तरीके का क्या है, समांगी मिश्रण भी है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, दोनों में फर्क है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास में प्रकाश किरण जो होती है वो क्या करती है, किसी भी कोलाइड से होकर के फैल जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक विलयन, ये एक कोलाइड है और दूसरा बेटा क्या है, ये हमारे पास में विलयन है। तो आप सभी को पता है विलयन क्या होता है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, जैसे कि पानी में आपने नमक घोल दिया, पानी में आपने शुगर घोल दिया, इस तरीके से हमारे पास में क्या बनता है, विलयन प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो वो एक प्रकार का क्या है बेटा, कोलाइड है। तो ये विलयन है और ये कोलाइड है, तो ये पहले विलयन में से प्रकाश किरण तो गुजर गई, लेकिन जैसे ही यह इस कोलाइड से टकराई है तो भाई पूरी प्रकाश किरण आप देख सकते हो बेटा, ये प्रकाश किरण का मार्ग था, लेकिन अब ये हल्की सी फैल गई है और यह फैलने के बाद कोलाइड से बेटा थोड़ा सा रास्ता जो है वो सीधा ना जा करके अब वो ऐसी जाने लगी है ना, पहले ऐसे जा रही थी, अब वो फैल गई है, यानी कि ऐसे और फिर ऐसे फैल गई है। तो इसे ही बेटा क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग अलग अलग माध्यम में देख सकते हो, जो भी विलयन अगर हमारे पास में है तो विलयन में तो पता ही नहीं चलता प्रकाश का, कोलाइड में प्रकाश किरण देखो किस तरीके से फैल गई है, और आपका जो निलंबन होता है, निलंबन में तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे तीन मेन इफेक्ट थे किसके अंदर, कोलाइड्स के अंदर। अब बच्चों हमें एक बहुत ही नया टॉपिक पढ़ना है। हम लोगों ने देखा हमारे पास में बहुत से अलग अलग प्रकार के मिश्रण है, कोई समांगी मिश्रण है, कोई विषमांगी मिश्रण है ना, हम लोगों ने देखा हमारे पास में क्या है, समांगी मिश्रण है, हमारे पास में विषमांगी मिश्रण है ना, और विषमांगी मिश्रण के साथ साथ हम लोगों ने क्या नोटिस करा कि यार हमारे पास में जो समांगी मिश्रण है वो विलयन कहलाते हैं, और जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उसमें दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं निलंबन और दूसरे होते हैं कोलाइड, है ना, एक होते हैं निलंबन और दूसरे कौन से होते हैं, कोलाइड। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि बेटा समांगी मिश्रणों में से चीज़ों को निकालना थोड़ा टफ होता है। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ, समांगी मिश्रण अगर आपके पास में है तो अलग अलग भौतिक विधियों से मिश्रणों को क्या कर सकते हो, पृथक कर सकते हो। तो बेटा विषमांगी मिश्रण, जैसे कि अगर आप निलंबन वाले पॉइंट देखें है ना, विषमांगी मिश्रण में निलंबन, जैसे कि उदाहरण के लिए चौक पाउडर और जल का मिश्रण है ना, और मिट्टी और जल का मिश्रण, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये सब क्या होते हैं, निलंबन होते हैं। तो बेटा होता क्या है हमारे पास में कि ये जो चौक पाउडर और जल का मिश्रण है, मिट्टी और जल जो होता है, इसको आप साधारण छलनी से, फिल्टर पेपर से लगा करके छान सकते हो, लेकिन कुछ कोलाइड और जो हमारे समांगी मिश्रण होता है, यानी कि कुछ समांगी मिश्रण और जो कोलाइड होते हैं बेटा, इनको थोड़ा सा पृथक करना टफ होता है। तो इनके पृथककरण के लिए हमें अलग अलग प्रकार की विधियों का क्या करना होता है, प्रयोग करना होता है। तो चलिए हम एक एक करके हर प्रकार के मिश्रण को पृथक कैसे किया
किया जाता है इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मेरे पास में कोई स्याही है यानी कि रंग करने वाला जो डाई, आप लोगों ने डाई का नाम सुना होगा, पापा लोग बाल डाई करते हैं, है ना, और जो कपड़े वाले भैया लोग होते हैं वो वाइट कलर के कपड़ों को डाई करते हैं। तो डाई करना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को रंगना, रंग कर देना। उसके लिए केमिकल आता है, उसका यूज़ करके किसी भी प्रकार के उस हमारे जो वस्तु है, पदार्थ है, उसको कलर कर दिया जाता है। तो अब बेटा यहाँ पर रंग वाले घटक को नीले या काले रंग की स्याही से कैसे हटा सकते हैं। होता क्या है कि बेटा जो रंग वाला जो घटक होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों का मिक्स होता है। तो अब उसमें से स्याही को कैसे हटाए उसके बारे में बात करते हैं। तो हमको स्याही क्या करना है, हमको स्याही अलग करना है और वो रंग वाला घटक यानी कि डाई को अच्छा मतलब अलग कर देना है। तो इसके लिए आपको बता देती हूँ कि जो स्याही होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, मिक्स्ड होती है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, जैसे उसमें पानी होता है, कुछ कलर्स होते हैं जो मिक्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें आप क्या कर सके, चीज़ों को गर्म कर सके और उसकी भाप निकल सके। तो क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को एक प्रकार का वॉच ग्लास लेना है। वॉच ग्लास जो होता है एक तरीके का बर्तन होता है जो बिल्कुल कांच का होता है, और इसका प्रयोग केमिकल्स को रखने के लिए या उबालने के लिए किया जाता है। तो बेटा वॉच ग्लास के नीचे आपने क्या रखा है, वॉच ग्लास के अंदर आपने स्याही रखी है। नीचे आपको एक बीकर लेना है, तो यानी बेसिकली आपके पास में क्या रहेगा, एक प्रकार का एक बीकर है, मान लीजिए ये बीकर है, और बीकर के नीचे आप लोगों ने क्या रखा है, आपको पता है यहाँ पर हमको बर्नर लगाना पड़ेगा, और ये मेरा स्टैंड है, ठीक है, मान लीजिए आपका स्टैंड है, ओके, एक ये स्टैंड है आप लोगों का, ये बर्नर हो गया बेटा। बहुत सारे बच्चों को बर्नर बनाने में इश्यू होता है बेटा, सिंपल सा एक बर्नर बना लीजिए, इस तरीके से समझ जाते हैं कि ये बर्नर है। और फिर आपको बनानी है इसकी लौ यानी कि आग। तो आप आग बनाने के लिए सिंपली इस तरीके से कुछ भी आप आग को बना सकते हो, तो इस तरीके से आप आग बना सकते हो। तो ये क्या है आप लोगों के पास में, बर्नर हो गया, ये आपका स्टैंड है, ठीक है, ये ज्वाला हो गई, ये एक प्रकार का एक बर्नर के ऊपर या स्टैंड के साथ में क्या होता है, जाली नुमा संरचना होती है, इससे हमारी जो आग है वो पूरी जाली पे एक जैसे रूप से फैलती है, और बीकर जो होता है उसकी पेंदी को एक जैसे रूप से गर्म करती है। और जब आपने इसके अंदर क्या रखा, पानी डाला, मान लीजिए इसमें आप लोगों ने कुछ पानी डाल दिया है ना, तो जब आप पानी डालोगे तो पानी क्या होगा, ऑब्वियसली बात है बीकर के नीचे वाली सतह से आग लगेगी, कॉन्टैक्ट होगा तो गर्म होगा, तो ये और गर्म होगा, और गर्म होने के बाद उबलेगा, और उबलने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वॉच ग्लास रख देना है। ये ग्लास के अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली स्याही डाल देना है। तो जब आप स्याही डालोगे ना तो क्या होगा, स्याही के अंदर की जो भी भाप होगी, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जो लिक्विड रूप में होगा, है ना, जो कि भाप के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, वो सीधा वाष्प के रूप में इस तरीके से निकल जाएगा और आपके पास में बच जाएगी आपकी सिर्फ और सिर्फ स्याही। और यही हमें क्या करनी थी, पृथक करनी थी, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, कई बार हमें बहुत सारी चीज़ों से अलग अलग चीज़ें पृथक करनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरे पास में जल और नमक का विलयन है, है ना, तो आप लोग सभी जानते हो कि जल से नमक को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाष्पीकरण मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वाष्पीकरण विधि में हम जहाँ पर भी ऐसा ज़रूरत हमको क्या करना होता है, मान लीजिए विलेय और विलायक को अलग करना है, तो कई बार कई स्थितियों में हमारा जो विलेय होता है वो ठोस होता है और विलायक जो होता है वो द्रव के रूप में होता है। तो इस विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, विलेय से विलायक को अलग कर सकते हैं, ठीक है, विलेय से विलायक को क्या कर सकते हैं, पृथक किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। सेम टू सेम अगर आपके पास में चाशनी है, चाशनी सब जानते हैं, चाशनी बेसिकली आपकी जो शक्कर होती है, शुगर होती है, शुगर को पानी के अंदर उबाल करके बनाई जाती है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे वापस से चाशनी से शक्कर चाहिए, मुझे वही शक्कर चाहिए जो मैंने अपने डब्बे में डाली थी, तो वैसी शक्कर तो नहीं मिलेगी, पर सेम शक्कर के क्रिस्टल आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा चाशनी को गर्म करते हो तो एक टाइम के बाद में चाशनी से पूरा जो पानी था वो सूख जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, और सिर्फ बर्तन में क्या बचती है, चाशनी के जो पत्थर होते हैं, जो गड़े होते हैं, वही बचते हैं, और वही आप लोगों के क्या कहलाते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं हमारे क्रिस्टल्स, जो कि वाष्पीकरण के बाद हमें प्राप्त होते हैं।
जब भी आपको पृथक्करण करना होता है, बहुत सारी विधियों का आप प्रयोग कर सकते हो मिश्रण से विलायक विलेय को अलग करने के लिए। तो यहाँ पर उन्हीं में से कुछ मेथड्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी किसकी, वाष्पीकरण की। सभी लोग ध्यान दीजिए, वाष्पीकरण सबसे आसान तरीका है किसी भी विलायन, हमारे जो विलेय और विलायक में से विलेय पदार्थ को अलग करने के लिए। और ये कब पॉसिबल है, जब जनरली जो भी हमारा विलायक है वो बिल्कुल पानी के जैसे भाप में बदल सकता है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर हमें दूसरी मेथड्स के ऊपर स्विच करना पड़ता है। दूसरी मेथड्स के बाद में अगर मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए हम लोगों को एक कोलाइड को पृथक करना है। कोलाइड क्या है आप लोगों के पास में, जो कोलाइड है हमारे पास में वो है मिल्क, यानी कि दूध। आपको पता है दूध के अंदर बहुत सारी क्रीम होती है, बहुत सारे फैट होते हैं, ये सभी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो भाई दूध में से कैसे अलग करेंगे, चलो तो आपको बता दूँ, ये करने के लिए आपको सबसे अच्छी एक विधि होती है जिसका नाम होता है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि क्या है बेसिकली, इसमें एक अक्ष होती है। क्या होती है अपकेंद्रण विधि में, एक बीच में कोई भी एक अक्ष होती है, उसके चारों तरफ हमारे जो भी सैंपल्स होते हैं उसको तेजी से घुमाया जाता है। और ऐसा करने से हमारा पानी सेपरेट हो जाता है, लिक्विड सेपरेट हो जाता है, और जो भी हल्का क्रीमी जो भी पदार्थ होता है वो ऊपर तली पर रह जाता है, यानी भारी पदार्थ नीचे और हल्का पदार्थ ऊपर रह जाता है। इसको एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट रेडी किया है, एक बार सभी लोग देखो। सभी को एक बर्तन में कुछ एक बेलनाकार सिलेंडर जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो सभी लोग देख सकते हो कि एक केंद्र है और उसके आसपास कुछ इस तरीके से हमारे पास में गोल पदार्थ, एक भिंगरी जैसा कुछ है, और उसमें यहाँ पर बहुत सारे क्या रखे हुए हैं, ये सभी लोग देखो, इस तरीके से बेलनाकार ऐसे सिलेंडर्स होते हैं। तो बेसिकली सिलेंडर बेटा कैसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं, इसमें सैंपल्स होते हैं, मिल्क सैंपल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो सैंपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही आप इसको बीच में रखोगे, यानी मान लीजिए आपको यहाँ पे एक प्रकार का क्या होता है, अक्ष होती है और उसके आसपास से सैंपल रखे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और जैसे ही इसको घुमाया जाता है तो ये सारे के सारे जो सैंपल्स होते हैं ये घूमने के बाद क्या हो जाता है, इसके अंदर का जो भी क्रीम होता है वो ऊपर रह जाता है और हमारा जो दूध का मेन लिक्विड होता है वो नीचे रह जाता है। इस तरीके से जो मिल्क होता है उससे क्रीम और बटर को बाहर निकाला जाता है। अगर आपको मैं दिखाऊँ थोड़ा सा बेटा, तो कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। आप सभी देख सकते हो यहाँ पर कोई परख नली लगी हुई है ना, और वो किस तरीके से घूम रही है। तो आप लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले शुरुआत में इस तरीके से यहाँ पर कुछ परख नलियाँ लगी हुई थी जिसमें दूध रखा हुआ है ना, इस तरीके से। और फिर क्या कर रहे हैं, ये बंदा जो है उसको घुमा रहा है जिससे ये घूम रही है। और जब ऐसा करते हैं तो बेटा वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ऊपर ऊपर जो क्रीम होती है वो रह जाती है और नीचे बेटा जो आपको दूध होता है वो मिल जाता है। तो ये आप लोगों ने डेयरी में ज़रूर ये वाला ये उपकरण डेयरी में पाया जाता है, डेयरी में उपलब्ध होता है। अगर आप लोगों के आसपास कोई डेयरी हो तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हमारे घरों में बेटा मथनी वाला मथन, मथना भी प्रयोग में लाया जाता है, इसको हम लोग मथनी बोलते हैं, मथनी करने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, एक लकड़ी का एक ऐसा कुछ हमारे पास में यंत्र होता है जिसमें अगर हम लोग बीच में इसको इस तरीके से क्या करते हैं, घुमाते हैं, इस तरीके से रोटेट करते हैं, तो हमारा जो भी दूध होता है, दही होता है, उसमें से क्रीम अलग हो जाता है और जो लिक्विड होता है वो पृथक हो जाता है, यानी कि जो द्रव होता है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से इसे क्या कहा जाता है, अपकेंद्रण मेथड या अपकेंद्रण विधि भी कहा जाता है। तो भाई अपकेंद्रण विधि हमारे डेली लाइफ में हम लोग काफ़ी जगहों पर देखते हैं, बेसिक जैसे आप लोगों ने मिक्सर में भी देखा होगा, जूस बनाने वाली। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, बीच में एक चीज़ होता है, एक रोटेट करते रहता है और रोटेट होने के साथ 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 क्या करता है, वो चीज़ों को उलट पलट करते रहता है, जिसके कारण जो हमारे पास में पदार्थ होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसका मिक्सर के रूप में भी प्रयोग में प्रयोग आप लोग कर सकते हो और इसका आप उपयोग जो है बेटा दूध और क्रीम को अलग करने के लिए भी कर सकते हो। तो सभी लोगों को बता देती हूँ कि द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छनक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब तेजी से इसे घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। तो यह विधि होती है हमारी किसमें, अपकेंद्रण में।
तो आप सभी लोगों ने जो ये सैंपल देखा है, ये सैंपल किसका है बेटा? दूध का। दूध को घुमाने के बाद, अब केंद्रीकरण करने के बाद, जो क्रीम होती है ऊपर रह जाती है और जो हमारा पानी हैवी लिक्विड होता है वो नीचे रह जाता है। सेम बेटा इसके अनुप्रयोग आप लोगों ने देखा होगा, जो प्रयोगशाला होती है उसमें रक्त और मूत्र की जाँच में कि कोई अदर पार्टिकल्स तो नहीं है, डेयरी और घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए। तो सभी लोगों ने देखा होगा दही वगैरह जो होता है उसमें हम लोग मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल को निचोड़ने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा कपड़े धोने का एक कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से एक बकेट होती है। ये बकेट बहुत तेजी से गोल 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 घूमती है और उसमें ढेर सारे छेद होते हैं, है ना। किसी के घर पे वॉशिंग मशीन होगी तो वॉशिंग मशीन में आप लोग देखना कि एक कपड़े सुखाने वाला जो चैम्बर होता है उसमें एक बकेट होती है, एक बाल्टी होती है, उस बाल्टी के अंदर एक प्लास्टिक की बाल्टी होती है एक तरीके से, और ये बाल्टी के अंदर आप कपड़े गीले वाले डालते हो। ये बहुत तेज़ी से गोल 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 घूमता है और गोल गोल घूमते घूमते ये सारा जो जल होता है उससे निकल करके कहाँ जाता है, नीचे की ओर रस जाता है और हमारा जो भी कपड़ा होता है उससे पूरा पानी निथर जाता है और कपड़े कई हद तक सूख भी जाते हैं। तो यह विधि हम लोग क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण के माध्यम से क्या करते हैं, उसको करते हैं। अब हमारे पास में एक और विधि आती है यार, ये वाली विधि जो होती है बहुत ही देखने में अजीब सी लगती है, देखने में लगता है कि यार क्या हो गया है। बेसिकली क्या होता है, जब दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम लोग पृथक करना चाहते हैं, अब दो अघुलनशील द्रव का मतलब जैसे आप लोग तेल में पानी मिला दीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में गलती से पानी में क्या मिल गया, पानी में तेल मिल हो गया है, तेल मिक्स हो गया है, तो इस स्थिति में दो अघुलनशील द्रव है, यानी क्या है, यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। यार अब इनको कैसे अलग करेंगे, इस विषमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए हमारे पास में अब एक तरकीब है। हम क्या करते हैं, एक ऐसे बर्तन का प्रयोग करते हैं जिसमें पानी और द्रव अलग अलग रूप में अगर निकलते हैं तो बेटा उसमें से हम क्या करते हैं, धीरे 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 पानी को अलग और तेल को अलग निथार सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है मैं आपको बता देती हूँ, उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये एक पृथक्करणकारी कीप कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पृथक्करण कीप बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं बेटा, जो आप लोग देख रहे हो ना डायग्राम में, ये एक पृथक्करण कीप होती है, थोड़ी सी इस तरीके से मटके जैसी होती है और नीचे से बिल्कुल प्लेन होती है। इसमें अगर आप कोई भी लिक्विड डालते हो तो नीचे एक वॉल्व होता है, ये वॉल्व बिल्कुल नल के जैसा काम करता है। ये वॉल्व में प्रेशर को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि हमें अशुद्ध पदार्थ अलग करना है, शुद्ध पदार्थ अलग करना है, तब इस वॉल्व को हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। जैसे मान लो कि इस वॉल्व में मैंने जल और पानी का मिश्रण डाला है, आप लोग देख सकते हो ऊपर येलो येलो आपको दिखाई पड़ रहा है और नीचे आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन कलर का वाटर दिख रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर का मटेरियल है, मान लीजिए ये पानी ही है, तो क्या होगा बेटा, जैसे ही इस वॉल को आप ओपन करोगे तो ये नल के इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही पतली सी बारीक सी नली होती है, इसमें क्या होता है बहुत ही पतली सी बारीक सी फनल टाइप का कुछ होता है, और यहाँ पे जैसे ही आप इसका वॉल्व ओपन करोगे खोलोगे तो ये जो बेटा लिक्विड होता है धीरे 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 नीचे आता है, और जैसे ही आपको लगता है कि यार तेल आने वाला है या फिर जो भी अघुलनशील दूसरा वाला द्रव है वो आने वाला है, तो क्या करते हैं उस वॉल्व को आप धीरे से बंद कर देते हो। जैसे कि ये ओपन हुआ, जैसे आप लोगों ने इसको खोला, पर आप धीरे से क्या कर दोगे, इसको बंद कर दोगे, तो पूरा जो पानी निथरा है वो नीचे निकल जाएगा और ऊपर बच जाता है तेल। इस विधि का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जनरली काय में करते हैं, पृथक्करणकारी कीप कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पृथक्करण कीप कहा जाता है। तो फिर इसके यूज़ क्या होते हैं, इसका डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है बेटा। आपको सिर्फ क्या करना है, एक छोटी सी मटकी जैसा तैयार करना है, इस तरीके से आप एक मटका तैयार कर सकते हो, उसको फिर लंबा एक कोन के रूप में नीचे उतारना है, और इसको उतारते हुए आपको एक पतली सी क्या कर देना है, फनल तैयार कर लेना है, एकदम बिल्कुल पतले सा पाइप जैसा रास्ता तैयार कर देना है। आपको यहाँ पर लगानी है एक कीप, यही कीप क्या करेगी, ये जो हमारे पास में जो कॉक आप लोग देख रहे हो बेटा, एक बिल्कुल वॉल्व के जैसे होता है, ये बेसिकली एक वॉल्व ही होता है, जो नल के वॉल्व होते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम ये नल का वॉल्व ही होता है। यहाँ पर आप लोगों को इसको बेसिकली टांग करके भी काम करवाया जा सकता है। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम शेप दे देते हैं अच्छे से, ओके। देन आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी अलग अलग ज़रूर कर लीजिए, तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। और ये आप लोगों की तैयार हो चुकी है पृथक्करणकारी कीप, बहुत इजी है बनाना, इसको सिंपल होती है, कोई ट्रफ नहीं हो। चलो
इसके काम क्या है, अनुप्रयोग के बारे में देख लेते हैं। अनुप्रयोग बहुत सिंपल है कि जब भी हम तेल या जल के अघुलनशील मिश्रण को हमें अलग अलग करना होता है, हमें तेल अलग करना है, पानी अलग करना है, उस समय हम इनका प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली धातु शोधन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अयस्क, अयस्क एक ऐसा मटेरियल होता है जो जमीन से निकालते हैं, कच्चा मटेरियल होता है, जिससे हम हमारी जो मेन मेन धातुएं होती हैं उनको प्राप्त करते हैं। तो धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे जो हल्के स्लैग होते हैं धातुमल, यानी कि लोहे को बनाते टाइम, यानी कि जब लोहा अयस्क से प्राप्त करते हैं, जब कच्चे मटेरियल से लोहा प्राप्त किया जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाई जाती है, और उसमें से हमें लोहे को अलग करना है, उसे बहुत पिघलाया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे गैस वाली जो अशुद्धियाँ हो जाती है वो निकल जाती है। सिर्फ लोहे को प्राप्त करने के लिए हमें पूरा उसको उड़ाना पड़ता है, किसको, जो भी जल है, अशुद्धियाँ हैं, तो बहुत तेज़ी से क्या करा जाता है, गर्म किया जाता है। और जब गर्म कर लेते हो तो गर्म करने पर लोहा पिघल जाता है, तो उस पिघले हुए लोहे के ऊपर जो भारी लोहा होता है वो नीचे आ जाता है, और जो भी गंदगी होती है, जो भी अशुद्धियाँ होती है, जो भी धातुमल होते हैं, वो हल्के होने के कारण ऊपर रह जाते हैं। तो नीचे स्किप के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, उससे लोहे के जो भी मेन पिघला हुआ लोहा है उसको एक चैम्बर में एकत्रित कर लिया जाता है। चैम्बर मतलब बिल्कुल टाके जैसा होता है, टाका यानी कि एक बिल्कुल बहुत ही ज़मीन के अंदर खुदा हुआ एक बहुत बड़ा सा बर्तन जैसा होता है, उसको हम चैम्बर बोलते हैं। उस चैम्बर में लोहे के जो भी लिक्विड लोहा होता है, जो भी द्रव रूपी पिघला हुआ लोहा है, उसको हम लोग एकत्रित कर देते हैं, और जो भी अमलगम, जो भी हमारा जो धातुमल होता है वो धातुमल ऊपर रह जाता है, और फिर उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास में पिघला हुआ जो लोहा होता है वो शेष रह जाता है भट्टी के नीचे। तो इस सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। बेसिकली आप सभी जानते हो प्रत्येक द्रव का घनत्व तो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यही सिद्धांत का प्रयोग करते हुए पृथक्करणकारी कीप से हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो अघुलनशील द्रवों को पृथक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे पास में नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इनके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा है, इसको समझने में बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, तब तक हम लोग चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी या एन नेक्स्ट क्लास, ओके, बाय गाइस।